मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव के निर्देश और एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला उन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंसी के नेतृत्व में सेगांव पुलिस द्वारा सीएम राइज स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया गया। इस मौके पर चौकी प्रभारी अनिल जाधव, एएसआई लक्ष्मण राठौड़, आरक्षक बद्री मंडलोई, सीएम राइज प्राचार्य संदीप कापानिस और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस दौरान चौकी प्रभारी जाधव ने बताया कि नशा करना बुरी बात है, जीवन में नशे का सेवन ना करें। अगर नशा नहीं करेंगे तो कोई गलत काम नहीं होगा। साथ ही समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं विस्तार से कानूनी सलाह एवं पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा ये गवर्नमेंट स्कूल में अभियान चलाया जा रहा है, ये किस बात का क्या है? अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा न्यू अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, इसका द्वितीय चरण है। उसी के तहत सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन के निर्देशन में आज जो है मेमू अभिमन्यु अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो है बच्चों को संदेश दी गई। साथ ही उन्हें 100 डायल के संबंध में, 108 के संबंध में, चाइल्ड हेल्पलाइन के संबंध में और महिला हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने तथा अभिमन्यु की तरह जो आज सामाजिक बुराइयां हैं, जो 7 चक्र है, उन्हें तोड़कर महिला और बालिकाओं को सम्मान देने के संबंध में संदेश दी गई तथा उन सभी को शपथ दी गई। ठीक, क्या नाम लिखते सर आप? उपनिरीक्षक अनिल यादव, पुलिस चौकी सेगांव। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।